हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैनेडा। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ऑफसेट कमांड के बारे में। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कमांड का नाम है आज ऑफसेट। ऑफसेट के लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं, जिसका जो कि शॉर्टकट होता है आपका ओ, आपको ओ लिख करके एंटर प्रेस करना होता है ऑफसेट को कॉल करने के लिए, या आप ऊपर से अपने रिबन सिस्टम से भी कॉल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर बात करें ऑफसेट कमांड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ऑफसेट कमांड जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास में एक लाइन है, ऐसा कैसा लाइन आपको कुछ डिस्टेंस से फिर से क्रिएट करना हो, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं ऑफसेट। दोबारा क्रिएट करने में टाइम ज्यादा लगता है या एरर होने के चांसेस रहते हैं कई बार, तो इस वजह से हम लोग ऑफसेट कमांड ज्यादा यूज करते हैं। या मान लीजिए आपका कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, आपको फिर से कुछ डिस्टेंस से एक और सर्कल क्रिएट करना है, या आपके पास में रेक्टेंगल है कुछ डिस्टेंस पे फिर से रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो इस चीज के लिए आप यूज करते हैं बेसिकली ऑफसेट कमांड। चलिए देखते हैं स्टेप्स कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओ लिख करके एंटर प्रेस करना है। जैसे ही ओ लिख करके आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, जितना गैप क्रिएट करना है इस ऑब्जेक्ट के बीच में वो डिस्टेंस पुट करना होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लिया 10 mm है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही 10 लिख के आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्शन कर देना है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है। मान लिया एग्जांपल के तौर पे ये बाहर वाला मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मुझे इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये चीज करना है, जैसे आप सिलेक्शन करेंगे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को, वो आपको कहता है स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। इसका मतलब ये होता है एक पॉइंट उस डायरेक्शन में आप डिफाइन कीजिए जिस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये है, मुझे नीचे की तरफ क्लिक करना पड़ेगा अगर मुझे नीचे की तरफ बनाना है ऑब्जेक्ट को, और अगर ऊपर बनाना है ऑब्जेक्ट तो आप इसको सिलेक्शन करके ऊपर की तरफ क्लिक कर सकते हैं। ऐसे अगर यहां बात करें तो क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है तो इसको अंदर क्लिक करूंगा तो ये बन जाएगा। अगर यहां पे ये मेन ऑब्जेक्ट है तो यहां सिलेक्शन करके अंदर क्लिक कर दूंगा। अगर बाहर क्लिक बनाना है तो बाहर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किधर बनाना है। इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैंने कहा आपको ये एक तो क्रिएट क्लिक कर एक तो क्रिएट कर दिया आपने, मान लिया मैंने कहा कि एक और ऑफसेट से आपने क्रिएट किया, अब एक और क्रिएट करना है तो अब इस बार इसको सिलेक्शन करना है ना कि इसको, तो आप इसको सिलेक्शन करें और नीचे की तरफ क्लिक कर दें, फिर से सिलेक्शन करें नीचे की तरफ क्लिक कर दें। अब एक एक करके कितना आप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है आपके पास में जिसका नाम है मल्टीपल। तो आप इसको कॉल कर सकते हैं मल्टीपल को। मल्टीपल को कॉल कैसे करेंगे, या तो यहां पे M कैपिटल में लिखा होता है तो M टाइप कर सकते हैं, या नहीं तो क्या कर सकते हैं माउस से क्लिक करके भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कॉल करना है। इसी में कुछ और भी चीजें हैं, चलिए उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात, अब मैंने कहा कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये मैंने कहा कि मेरे पास में एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज किया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपने रेक्टेंगल कमांड से क्रिएट किया है। यही मैंने कहा कि ये आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को क्रिएशन करने के लिए आपने लाइन कमांड यूज किया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कमांड से बनाते हैं तो वो आपका बनता है सिंगल एंटिटी, और यही जब लाइन कमांड से बनाएंगे आप तो आपका ये बनेगा मल्टीपल एंटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिंगल एंटिटी का मतलब होता है आप कहीं भी क्लिक करो तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल हो जाता है या पॉलीगन से पॉलीगन को बनाया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। यही अगर मैं बात करूं जब लाइन कमांड से आप क्रिएट करते हैं तो वो आपका बनता है मल्टीपल एंटिटी। मल्टीपल एंटिटी का मतलब है कि आपके ये सारे साइड्स अलग अलग सिलेक्शन में आएंगे। तो अगर इफेक्ट की बात करें यहां पे, अगर मैं इसको ऑफसेट करूंगा, मतलब सिंगल एंटिटी को जब हम ऑफसेट करते हैं तो वो आपका जितने भी साइड्स होंगे, चार हैं पांच हैं जो भी साइड्स हैं, वो आपके एक बार में क्रिएट हो जाएंगे, एक बार में आपका ऑफसेट हो जाएगा, चाहे आप अंदर क्रिएट करें चाहे बाहर क्रिएट करें। यही अगर मैं बात करूं कि मैं अगर लाइन कमांड से बनाता हूं या आपका ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल एंटिटी है, उस केसेस में अगर आप ऑफसेट कमांड लगाते हैं तो क्या होगा, आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, जैसे इसको सिलेक्शन करके अंदर, फिर इसको सिलेक्शन करके अंदर, इस सिलेक्शन करके अंदर, इसको सिलेक्शन करके अंदर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें आपका ऑटोमेटिकली एक बार में क्रिएट हो गया और यहां से एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम भी हो जाएंगे आपके। लेकिन यही अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है,
आपके सारे साइट्स आपको इंडिविजुअली ऑफसेट करने पड़ेंगे। तो इससे क्या इफेक्ट होगा कि इंडिविजुअली होने की वजह से वो पूरा लेंथ ऑफसेट करेगा, तो यहां से एक्स्ट्रा पोर्शन को आपको ट्रिम करने की रिक्वायरमेंट आएगी। चलिए, ये तो था कि आपका इस इन ऑब्जेक्ट्स पे कैसे इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, इसको बनाने के लिए आपको लाइन कमांड यूज करना पड़ता है जैसे आप जानते हैं। तो अब अगर बात करें यहां पे इफेक्ट की बात करें, इस पे अगर मैं ऑफसेट कमांड लगाता हूं तो क्या होगा, जब आप इसको ऑफसेट करेंगे तो ऐसे ऑफसेट जाएगा, इसको ऑफसेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसको ऑफसेट करेंगे तो ये फिर इस तरह से ऑफसेट हो जाएगा, इसको ऑफसेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, आपको इंडिविजुअली एक एक को ऑफसेट करना पड़ रहा है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कमांड को यूज कर सकते हैं। ज्वाइन कमांड, जैसा कि आप जानते हैं कमांड का नाम होता है आपका ज्वाइन, शॉर्टकट होता है आपका जे और एंटर। अब याद रखिएगा पुराने वर्जन का ज्वाइन और नए वर्जन के ज्वाइन में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पुराने वर्जन का ज्वाइन आपका सिर्फ दो कोलिनियर लाइन को ज्वाइन करता था, सिर्फ दो कोलिनियर लाइन को ज्वाइन करता था। लेकिन यही अगर बात करें नए वर्जन के ज्वाइन में तो सिर्फ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंगल पे है, कोलिनियर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कनेक्टेड होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट और कंटिन्यूटी में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लाइन को आप एक सर्कल से जोड़ना चाहेंगे तो वो ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि सर्कल अपने आप में एक एंटिटी होती है पूरी, और आपका लाइन जो है वो अपने आप में एक एंटिटी है। तो आपको क्या होगा, कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कहीं बीच में क्लोज नहीं होना चाहिए लूप किसी और तरीके से, ठीक है। जब लाइन कंटिन्यूटी में होगा, अगर यहां बात करें जैसे कि ये पूरा का पूरा आपका एक कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कैसे अप्लाई करेंगे ज्वाइन कमांड, तो आपको क्या करना है, यहां पे सीधा सा क्या करना है, ज्वाइन कमांड को कॉल करना है जे से। जैसे आप जे लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो वो आपको कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके। आप जानते ही हैं कैसे ड्रैग करके हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप सिलेक्शन करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब सिंगल एंटिटी का मतलब, जैसे आप जानते हैं कि इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसको सिलेक्शन करके आप। अब अगर नेक्स्ट थिंग बात करें यहां पे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहां पे अगर ऑफसेट करना है तो अब तो ऑफसेट कमांड को कॉल कीजिएगा। ऑफसेट कमांड को कॉल करके जितना भी आपको डिस्टेंस देना है 2, 5, 10 दीजिए डिस्टेंस, और इसको अब अगर ऑफसेट करेंगे तो क्या करेगा, ये एक बार में आपका इस तरह से ऑफसेट हो जाएगा। तो बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि मल्टीपल एंटिटीज होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से शेप बने हुए होते हैं, वहां पे बहुत बार आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। स्पेशली अगर बात की जाए सिविल वालों को तो बहुत ज्यादा, या आर्किटेक्चरल इंटीरियर फील्ड में, क्योंकि वहां पर जैसे वॉल्स हैं तो वॉल्स की थिकनेस को आप दो लाइन से शो करते हैं। अब वहां पर अगर एक एक करके करने के लिए बैठेंगे आप तो बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। तो वहां पर आप इस चीज तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है नए वर्जन का कि आप कनेक्टिविटी में बस होना चाहिए, ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और भी दूसरे कमांड्स देखते हैं। पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करें। हेलो फ्रेंड्स, थ्योरेटिकली आपने देख लिया था कि कैसे करते हैं हम लोग ऑफसेट कमांड यूज में। अब चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जैसे मैंने थ्योरेटिकली आपको तीन चीज़ें वहां पे दिखाया था कि एक लाइन, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, तीनों के ऊपर अगर हम लोग ऑफसेट करके देखें तो कैसे इफेक्ट होगा, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट होता है ओ, तो आपको ओ लिख करके एंटर प्रेस करना होता है। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑफसेट का, यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जैसे कॉल करना चाहें। तो जैसे मैंने ऑफसेट कमांड को यहाँ से कॉल किया, ऑफसेट कॉल कर करते ही ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए शो करने लग जाता है, आप कर्सर के पास में भी देख सकते हैं स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस बोल रहा है, या यहाँ पे नीचे पढ़ना सीखिए, ये मेन चीज़ है आपका। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस क्रिएट करना है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया मैंने कहा कि डिस्टेंस जो होगा वो 5 होगा, आप जैसे ही 5 लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करते हुए आपको कहता है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट उस डायरेक्शन में डिफाइन करो जिस डायरेक्शन में बनाना है। तो अगर ऊपर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे, और अगर नीचे बनाना है तो नीचे की तरफ क्लिक कर दीजिए। आपको जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को बनाना हो उस डायरेक्शन में क्लिक करना होता है। अब मान लें एक और बनाना है तो इस बार इसको सिलेक्शन करके क्लिक करना है, ऐसे फिर से सिलेक्शन करके क्लिक कर सकते हैं,
लेकिन अगर मल्टीपल बनाना है तो कितनी बार सिलेक्शन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे एक ऑप्शन आता है जब आप ऑफसेट कमांड लेते हैं, तो ऑफसेट कमांड कॉल करने के बाद में जब आप डिस्टेंस देते हैं, तो डिस्टेंस पुट करने के बाद में आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करते ही मल्टीपल का ऑप्शन आता है, तो आप मल्टीपल को कॉल कीजिए। मल्टीपल कॉल करने के बाद में बस आपको अब नीचे क्लिक करते चलना है और वो बनता हुआ चला जाएगा आपका, आपको बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यही अगर बात की जाए, अगर इसके ऊपर ऑफसेट कमांड हम लोग लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ऑफसेट डिस्टेंस भी मैंने सेम रखा, अब देखिए क्या हो रहा है, चारों तरफ बन गया एक बार में, ऐसे यहां पे अगर करें तो इस तरह से बन जाएगा। दूसरा चीज मैंने बताया था आपको, सिंगल एंटिटी और मल्टीपल एंटिटी का डिफरेंस, तो रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आर ई सी लिख करके आपको एंटर प्रेस करना होता है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप क्लिक करके देंगे, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ, जैसे मैंने कहा 50, 100, तो ये क्या करेगा 50/100 का रेक्टेंगल आपको बना करके दे देगा। यही अगर लाइन से कैसे क्रिएट करेंगे, तो एल लिख करके आपने एंटर प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट दिया और ऑर्थो ऑन करके आप लेंथ प्रेस करते चले जाएंगे, 50 डायरेक्शन ऊपर किया आपने का 100, डायरेक्शन इधर किया आपने का 50 और वापस से सी लिख करके आपने क्लोज कर दिया। तो ये रेक्टेंगल बनाया रेक्टेंगल से, ये रेक्टेंगल बनाया मैंने लाइन से, तो देखिए डिफरेंस क्या है, इसको सिलेक्शन करते ही क्या हो रहा है, पूरा आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल एंटिटी। यही अगर आप इसको सिलेक्शन करें तो यहां देखिए क्या हो रहा है, इंडिविजुअली सिलेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एंटिटी। तो ऑफसेट कमांड लिया मैंने, ऑफसेट डिस्टेंस मान लिया मैंने, कहा इस बार 10 है, अगर मैं इस पे ऑफसेट करूं तो देखिए क्या हो रहा है, चारों डायरेक्शन एक बार में हो गया, लेकिन यहां पे अगर मैं करूं तो क्या हो रहा है, देखिए इंडिविजुअली करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। अब यही मैंने कहा था कि आपके पास में अगर मान लिया मैंने कहा कि एक इस तरह से ऑब्जेक्ट है, तो ये आपने कैसे बनाया, लाइन कमांड से, तो अब देखिए क्या हो रहा है, मल्टीपल एंटिटी है, तो इस पर अगर ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये देखिए इंडिविजुअली होगा, मैं इंडिविजुअली नहीं करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कमांड यूज करूंगा, तो ज्वाइन का शॉर्टकट होता है आपका जे, जे लिख करके एंटर प्रेस करना होता है, यानी तो मॉडिफाई के अंदर भी मिल जाएगा आपको ज्वाइन, ये ऑप्शन है आपका यहाँ पे ज्वाइन का, ठीक है। तो ज्वाइन कमांड को कॉल कीजिए, ज्वाइन कमांड कॉल करते ही वो कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इंडिविजुअली एक एक करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं या क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देना है, तो इसे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सिंगल एंटिटी क्रिएट हो जाएगा। अब इसको ऑफसेट कीजिए, तो ऑफसेट कमांड लिया आपने, ऑफसेट डिस्टेंस जितना भी लेना था वो दिया आपने और उसके बाद में इसको ऑफसेट किया, तो जैसे ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा आपका, एक बार में ये ऑफसेट हो जाएगा। ये तो था कि आपका अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो, अब मैंने कहा कि डिस्टेंस मुझे वेरी करना है, तो मान लिया मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास में, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे क्रिएट करना है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले ऑफसेट कमांड लेना है, ऑफसेट कमांड लेने के बाद में क्या करना है आपको, थ्रू ऑप्शन को कॉल करना है, तो यहां से कॉल कर लिया मान लिया मैंने, अब यहां पे डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं होती है, डिस्टेंस की बजाय हम थ्रू को कॉल करेंगे, ध्यान रखना है। अब इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, डायरेक्शन देना है किधर बनाना है आपको, उसके बाद में वैल्यू पुट करना होता है आपको कि कितना आपको क्रिएट करना है ऑफसेट, तो डायरेक्शन देकर के जैसे मैंने कहा 20, तो वो 20 डिस्टेंस से क्रिएट कर देगा। अब आपकी मर्जी, यहां से करना है यहां से करना है, तो मैंने इसको मान लिया सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके मैंने कहा 45, तो देखिए 45 हो जाएगा डिस्टेंस। इस बार मैंने इसको सिलेक्शन करके कहा 5 mm, तो यहां से बन जाएगा। मैंने कहा इस बार यहां से करना है, इसको सिलेक्शन किया, डायरेक्शन नीचे करके मैंने कहा 50, तो देखिए वहां से बन जाएगा। तो आप कहीं से भी इसको दे सकते हैं, यही अगर यहां करना चाहें सिलेक्शन कीजिए, डायरेक्शन आप करने दे करके जैसे आपका 50, तो देखिए 50 डिस्टेंस ले लेगा। आपकी इच्छा है कितना डिस्टेंस देना है, डायरेक्शन दीजिए, वैल्यू लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए, तो उस अकॉर्डिंग आपका क्रिएट करते जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑफसेट के थ्रू, बहुत ईजी प्रोसेस है, करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आपको जो भी सॉल्यूशन होगा, आपकी जो भी एरर्स हो रही हैं उसका ध्यान रखते हुए हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है या तो हम लोग वीडियो बना करके दे देंगे आपकी प्रॉब्लम की, एक और आपको लिंक कर देंगे या शेयर कर देंगे आपके साथ में, या कुछ और भी अगर ऑप्शन है तो हम कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल होगा या स्क्रीनशॉट जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि और भी जो नए वीडियोस बने हमारे वो हम आप तक लेके आएँ, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके कलीग्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।